हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भागवत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कोचिस शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 9 से 12 तारीख को। तो आज तो हो चुका है, आपके पास और भी टाइम है। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा, बेसिकली क्या कुछ एडुकेशन क्वालिफिकेशंस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं सभी के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड्स में तो आपको जो है ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा। तो मैं सभी को समराइज कर दूंगा और डिटेल्स नोटिफिकेशन का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अपने एडुकेशन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप देख सकते हैं क्या कुछ एडुकेशन क्वालिफिकेशंस है, क्या कुछ लगेगा। ठीक है, मैं जो इंडिविजुअली हर एक को लगेगा मैं उसके बारे में बता देता हूँ क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। बेसिकली आपका जो है 10th पास अगर आप हैं, साथ ही साथ आपने ITI किया है, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा इस जॉब को पाने के लिए। और साथ ही साथ क्या कुछ आपका जो पे स्केल है उसके बारे में बताऊंगा। और एक्स्ट्रा अगर काम करते हैं तो उसमें भी आपको अमाउंट दिया जाता है। तो सबसे पहले उसके अलावा अगर ग्रेजुएट किया है आपने, उसका पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो ये जो ट्रेड है बेसिकली आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर स्टूडेंट्स हैं तो उसी में है। तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर और भी कई सारे पोस्ट है। तो फिल्टर में देखिए, आप देखिए पास होना चाहिए आपको 10th प्लस IIT NTPC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। वर्किंग एंड नॉलेज इन हिंदी एंड बंगाली, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो यही है। और हम लोग जाते हैं फिटा इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पे। 5 पोस्ट है, 4 है जनरल के लिए, 1 OBC के पास होना चाहिए आपको, 10th प्लस IIT पास होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट जो भी ट्रेंड है उसका, डिजायरेबल गुड कॉम्बिनेशन स्किल्स तो ये होना चाहिए, हिंदी और बंगाली आपको अच्छा आना चाहिए। फिटर पाइप और भी कई सारे हैं, इसको आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, मैंने एक बता दिया। नर्स में एक ही पोस्ट है, डिप्लोमा इन नर्सिंग स्टाफ रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसमें मिनिमम 3 ईयर्स का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल से आपका कोई ऐसा कोई नहीं है। और फॉर दो स्टूडेंट BSc क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश अच्छा आना चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी कॉन्टैक्ट बेसिस पे, तो इसमें आपको अपने 3 ईयर का डिग्री किया है आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में, ठीक है, या BA BSc किया है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें गवर्नमेंट से या कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपने किया है कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। गुड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस अगर पास है तो आपको मान्यता दिया जाएगा। और भी कई सारे पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट के रिलेटेड, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बेसिस पे है, सभी कॉन्टैक्ट बेसिस पे, लेकिन आप जब भी काम करते हैं कहीं भी आपको कुछ दिनों बाद जो है, मैंने जितने दिनों तक देखा कि आपका जो है कॉन्फर्म हो जाता है। तो यही तो मैंने बता दिया। और इसका मैक्सिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंने बताया। और इसका पे स्केल देखा जाए तो CL नंबर को आप देख सकते हैं, CL नंबर के अनुसार आप पे स्केल देख सकते हैं। 23,300 से स्टार्ट होगा और हावर्स अगर ज़्यादा कुछ करते हैं तो आपको 5,400-5,900 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। और एज लिमिट अगर देखा जाए तो 30 साल का होना नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और 11 फरवरी से पहले आपको जो है इसको 30 साल, 11 फरवरी के अनुसार 30 फरवरी से आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज लाइसेंस मिल जाएगा, एक सर्विसमैन जो भी बताया गया है। अब मेथोड हब सिलेक्शन है, इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 23 दरगाह रोड, पार्क सर्कस, कोलकाता। एप्लीकेशन फॉर्मेट है NHR 1 दे दूंगा। ITI मस्ट 20% वेटेज दिया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट आपको 80% वेटेज दिया जाएगा, टोटल 100%। ठीक है, उसके बाद सेमी स्किल रिजर्व एंड कॉन्टैक्ट बेसिस पे 100% वेटेज दिया जाएगा। और इसको आप फॉर ड्राइवर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30%, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 70% वेटेज, टोटल आपका 100%। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा फॉर CL नंबर 14 से लेकर 20 तक है, नर्स, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल प्रोजेक्ट असिस्टेंट, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 80 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। जब भी ऑक इन इंटरव्यू कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट ऑक इन इंटरव्यू गिवन डेट विदाउट, आपको जो ये टाइम मैंने बताया उसके थ्रू आपको देना होगा। और एक चीज़ बता दूँ, क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा। NHR 1 जो है मैं लिंक दे दूँगा उसका, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल, उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर का, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जीरोक्स लेना जाना होगा। उसका जो भी एडुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास उसको ले जाइएगा। तो यही कुछ जानकारी था। और किसी और टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उस वीडियो में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।